हेलो स्टूडेंट, आज आपका फ्यूचर टेंस में लास्ट टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस का जो लास्ट टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके वैसे ही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन shall have been। ये इसकी क्या है हेल्पिंग वर्ब। इसका जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद विल है विल और शैल, विल शैल, उसके बाद है उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट उसके बाद फोर फ्रॉम फोर और फ्रॉम। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस का फ्यूचर में बहुत कम यूज किया जाता है। अगर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सिंस है सिंस का यूज फ्यूचर में बहुत कम किया जाता है। इसकी जगह किसका यूज किया जाता है फ्रॉम का, किसका यूज किया जाता है फ्रॉम का। सिंस की जगह किसका यूज किया जाता है फ्रॉम का, क्योंकि जो फ्यूचर टेंस है ये क्या है प्रेडिक्शन। फ्यूचर टेंस केवल अनुमान है, इसलिए इसका नेगेटिव होगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, इसके बाद क्या होगा नॉट, विल और शैल इसके बाद नॉट, फिर हैव उसके बाद बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर और नॉट। इसी प्रकार जब इंटरोगेटिव है तो विल और है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद है, फिर बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर और फ्रॉम, फिर क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो विल फेल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव है तो नॉट, उसके बाद हैव,
वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर फ्रॉम, फिर क्वेश्चन मार्क। और डब्ल्यू एच वर्ड है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट विल शैल सब्जेक्ट, उसके बाद नॉन, फिर हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फोर फ्रॉम। इसका जो सकारात्मक है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हेल्पिंग और शैल हेल्पिंग। अगर ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें समझने की बात ये है अगर विल है और शैल है लगेंगे तो हेल्प के बाद क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जबकि कंटिन्यूअस है तो हमें यूज कौन सी करनी है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। तो विल और शैल है अगर इसकी हेल्पिंग वर्ब होती तो फिर इसका फॉर्मूला खराब हो जाता, इसलिए टेंस बनाने वालों ने क्या कर दिया, इसके बाद बीन लगा दिया। जब बीन जब लग जाएगा तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर शैल है और विल है भी हेल्पिंग वर्ब रखी जाती तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाने में इसका फॉर्मूला कंटिन्यूस का खराब हो जाता, इसलिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन शैल हैव बीन है। अफर्मेटिव सब्जेक्ट विल शैल, विल और शैल हैव, फिर बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फोर और फ्रॉम। सब्जेक्ट विल और शैल नेगेटिव है तो नोट कहां पे लगेगा, जस्ट इनके बाद, नॉट हैव बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फोर और फ्रॉम। इंटरोगेटिव है विल शैल सब्जेक्ट हैव बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर और फ्रॉम। इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो विल और शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर और फ्रॉम। डब्ल्यू एच वर्ड है तो इंटरोगेटिव नेगेटिव एरे के जा जाएगा और डब्ल्यू एच वर्ड पहले लग जाएगा। ये तो हुआ इसका स्ट्रक्चर। ये कोई ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको केवल स्ट्रक्चर इसके माइंड में रखनी है और कुछ थोड़ा बहुत और मैं आपको बता देता हूँ।
हेयर फॉर ए फोर्टनाइट, फॉर ए फोर्टनाइट ही विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए फोर्टनाइट। अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो विल के बाद नॉट, अगर आप इसको इंटरोगेटिव बनाओगे तो विल और शैल पहले, इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो इंटरेक्टर के अनुसार ये आपका बनता चला जाएगा। वाई का एंड ऑप्शन एक्स किया। दूसरा देखो एग्जांपल, वाई का एंड ऑफ द, वाई का एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, वाई द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर सी विल हैव बीन स्टडिंग इन एयरपोर्ट, सी विल हैव बीन स्टडिंग स्टडिंग इन जयपुर, स्टडिंग इन जयपुर, इन जयपुर, इन जयपुर, इन जयपुर फॉर थ्री ईयर, फॉर थ्री ईयर, फॉर थ्री ईयर। By the end of the next year, मतलब अगली साल के अंत तक, इसके बाद कर रहा है फ्यूचर की, सी विल हैव बीन स्टडिंग इन जयपुर फॉर, उसको जयपुर में पढ़ते पढ़ते कितनी साल हो जाएंगी, तीन साल। By the end of the, by the end of the, by the end of the, by the end of the next week, 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 by the end of the next week he will have lived here, he will have lived there, he will have lived there, lived here for 2 years, lived there for 2 years. अब ये कौन सा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, विल हैव बीन और ये विल हैव, और थर्ड फॉर्म ये विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। दोनों में क्या फर्क है? व्हेन वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हेन वी यूज द, आपको इन दोनों में, इन दोनों में जो फर्क है, व्हेन वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपको लिखना है, ये दोनों में जो डिफरेंस है, एक इसमें और एक इसमें, ये तो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और ये बात विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही कौन सा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। व्हेन वी यूज द, व्हेन वी यूज द, व्हेन वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, व्हेन वी यूज द फ्यूचर, when we use the future perfect tense,
फ्यूचर परफेक्ट टेंस वेन यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस वी एम्फेसाइज द प्रेजेंट 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 We emphasize the fact that the activity will be completed. That the activity will be completed. That the activity will be completed by the time mentioned. When we use the future perfect tense, we emphasize yani जोर देना. Emphasize yani जोर देना. Emphasize the fact. इस तथ्य पर जोर दिया जाता है that the activity जो क्रियाकलाप है will be completed पूरा हो चुका है by the time mentioned जो भी time वहाँ पर mention किया हुआ है उसमें जो उसका जो काम है वो पूरा हो चुका है जिस पर जो जोर दिया जाता है किसमें future perfect tense में but future perfect continuous tense but when we use the future perfect continuous tense when we use the future perfect continuous tense we emphasize the fact that the activity will continue in the future जब हम future perfect tense का use करते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि काम अभी जारी है when we use the future perfect continuous tense we emphasize the fact that इसमें जो समझने वाली बात है जब आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करोगे तो उसका मतलब है कि काम पूरा हो चुका है और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जब यूज किया जाएगा तो उसका मतलब है कि काम फ्यूचर में भी चलने वाला है जैसे बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर सी विल हैव बीन स्टडीिंग इन जयपुर फॉर 3 इयर्स मतलब जो इन जयपुर फॉर 3 इयर्स इस साल के बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर अगले साल के अंत तक मतलब काम कब चल रहा है फ्यूचर में भी चलेगा बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक ही विल हैव लिफ्ट देयर मतलब ये काम उसका पूरा हो चुका है एंड ऑफ द नेक्स्ट वीक पिछले जो सप्ताह है उसके अंत तक फ्यूचर परफेक्ट का जब यूज होगा तो उसमें काम पूरा हो चुका होगा इस पर जोर दिया जाएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम उसका मतलब है कि काम फ्यूचर में भी चलने वाला है दोनों में यही फर्क है और आज आपका टेंस का जो पोर्शन है वो पूरा हुआ इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा थैंक यू